एक मिनट। जम्मू कश्मीर की बहुत सी संस्थाओं की तरफ से महाराजा हरि सिंह का किरदार, उसका उसकी हुकूमत करने का ढंग, उसकी कमिटमेंट को सामने रखते हुए ये डिमांड की जाती है कि उस दिन को गवर्नमेंट सेलिब्रेट करे, उनके जन्मदिन को 23 सितंबर को, और उसको लोगों के सामने उनके उन्होंने क्या किया ये बातें रखें। हमने डोगरा सदर सभा ने उसके आगे एक कदम रखा है, सब संस्थाओं को अपील कही और यहाँ फैसला हुआ है कि डोगरा सदर सभा महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस 23 सितंबर को नाम देती है, उनकी कमिटमेंट को सामने रखते हुए सामाजिक न्याय दिवस। तो हर साल 23 सितंबर जो है सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये उनकी कमिटमेंट्स और उनका भाषण जब उनकी ताजपोशी हुई थी उसको सामने रखते हुए फैसला किया है और डिमांड की है, अपील की है सब संस्थाओं से कि इसी सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को मनाया जाए। और साथ ही दूसरी बात ये कही है कि इस दिन छुट्टी भी हो, क्योंकि अगर भारतवर्ष के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है तो महाराजा हरि सिंह के कारण हुआ है। और दूसरी बात, हमारी कोर ग्रुप मीटिंग में डोगरा सदर सभा जो फैसला लिया है वो लिया है कि ये यहाँ सेक्रेटेरिएट जो हमने संघर्ष किया इतना और इसका मूव जो है बंद हुआ, दोनों जगह फंक्शन होने लगा, ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही जम्मू के अंदर। ये अफसर अभी भी भाग रहे हैं हम ठंडी हवाओं में। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो अफसर हैं वो बिल्कुल उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएँ, यहाँ काम करें और प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो हो। तीसरी बात डोगरा सदर सभा की मीटिंग के अंदर ये हुई है कि यहाँ जो सड़क है सेक्रेटेरिएट के पास, इसने इस ऐतिहासिक शहर को दो हिस्सों में बांट दिया है, उसकी वजह से ऐतिहासिक जनाना पार्क और ये महात्मा गांधी का एक ही बड़ा स्मारक है, ये जो उनका गांधी भवन है वहाँ जांबुलोचन की यहाँ पर मुजस्मा लगा है, रणदीश्वर मंदिर है, बाकी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वुमेन कॉलेज है, यहाँ लोग नहीं जा पा रहे, संस्कार के लिए जाते हैं, उनकी दवाई हो रही है, इनको उठाएं बैरिकेड्स को सेक्रेटेरिएट के अंदर ले जाएं। कितनी दफा हमने कहा है नहीं, इस शहर को तबाह करो। और चौथी बात, एक सोची समझी स्कीम के तहत डोगरा कल्चर को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कई कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कन्वोकेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज की है पिछले दिनों में, उसमें पहली दफ़ा पगड़ियाँ हटा के वो पकोला कैप ले आए, कभी फिरन ले आए, कभी कुछ ले आए। और यहाँ आज कश्मीर के अंदर जो कन्वोकेशन अभी हुई है जिसमें सेना साहब थे, वहाँ भी कोई अलग किस्म की पगड़ी थी, ये क्यों कल्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये पुराना जो सिस्टम चल रहा है उसको ये करें। अगली बात हमने कही है कि मुबारक मंडी की, चूँकि बारिशों के बड़े दिन हैं, मुबारक मंडी के स्लोप जाएंगी, पूरी मुबारक मंडी चली जाएगी, हम बार बार कह रहे हैं स्पेशल PWD की टीम लगाओ और उसको ठीक करने की कोशिश करो। धन्यवाद सर, हमसे। ये थे हमारे साथ डोगरा सदर सभा के जो प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा जम्मू जो है डुग्गर प्रदेश है, राजों महाराजों की देन है, और कहीं ना कहीं जब जहाँ से आप जानते हैं हर सितंबर 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, और डोगरा सदर सभा की तरफ से जो इस दिवस का नाम हम दिया गया सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हर साल ये मनाया जाएगा। और साथ ही साथ बाकी संगठनों से भी इन्होंने ये निवेदन किया कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर उनकी कारकर्दगियों को सामने लाया जाए, कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति डोगरा संस्कृति है उसको जागरूक रखने के लिए वो दिन है कि जो महाराजों राजा महाराजों के द्वारा जो भी कारकर्दगी की गई है उन कारकर्दगियों को उनके जन्म दिवस पर आम जनता के सामने लाया जाए। और साथ ही साथ ये कहना कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुबारक मंडी की बात करें कि उसका जो धरोहर है, हमारे डोगरों की एक पहचान है, डोगरों की धरोहर है, उसको बचाए, क्योंकि वो स्लोप अगर नीचे चलेगी तो पूरा मुबारक मंडी जो हेरिटेज है जाएगा, जिसके चलते प्रशासन को भी इन्होंने निवेदन किया है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और फिलहाल इन्होंने प्रशासन से भी ये गुहार लगाई है कि उनके जन्म दिवस, महाराजा जी के जन्म दिवस पर जो भी उनकी कारकर्दगियाँ रही हैं अपने जम्मू डुगर प्रदेश के लिए, उन कारकर्दगी को और साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति डुगर संस्कृति है उसको भी उजागर किया जाए, और इस दिन जो कि डोगरा सदर सभा की तरफ से एक नया नाम देने दिया जाएगा, सामाजिक न्याय दिवस। ये थे गुलचैन सिंह चाड़क, जिन्होंने अपनी वार्ता प्रेस वार्ता की और अपने जो भाव थे डोगरा सदर सभा की तरफ से आम जनता के सामने रखे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।